हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने वाले हैं मसाला सोयाबीन वड़ियाँ। इसके लिए मैंने 2 ग्लास पानी उबलना रख दिया है, उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी है और आधा चम्मच नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। ये मैंने 70 ग्राम ना ये लिए हैं सोयाबीन चंक्स, सोयाबीन की वड़ियाँ, और इनको हम ना अच्छे से उबाल लेंगे। हमें ये 5 to 7 मिनट्स उबालनी है, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, अब बिल्कुल ये जो वड़ियां हैं ये सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई है और फूल कर डबल भी हो गई हैं, देख रहे हैं ना। तो अब हम इसको ना ठंडा करेंगे और स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे, जो पानी है ना वो सारा इसका निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ठंडा पानी डालकर ना मैंने इनको इनका पानी निकाल लिया है, छलनी में डाल लिया है, और इस तरह से ना मैं इनको स्क्वीज कर लूंगी। बिल्कुल इनका जितना भी एक्सेस वाटर है, जो भी पानी है ना, वो निकाल देना। जब भी आप कोई सोयाबीन की सब्जी बनाएं, ये बेस्ट मेथड है। ये देखिए, इस टाइप से ना ये इतनी सॉफ्ट हो गई हैं, ऐसे देखिए कितनी सॉफ्ट है, पूरी स्पॉन्जी है। तो ये निचोड़ के हम तैयार कर लेते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून डाल दिया है इसमें मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, 2 पिंच हींग, 1 तेज पत्ता, 1 छोटी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और 2 लौंग। ठीक है, ऐसे हम डाल देंगे। मैं जो जो सामान डालती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरा आपको लिख दूंगी कितना कितना सामान मैंने यूज किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम डालेंगे ये प्याज। गैस को धीमा कर लेंगे। ये मैंने चॉपर में प्याज चॉप की है, 1 हरी मिर्च काट ली है, तो ये डाल देंगे हम इसमें प्याज। 2 प्याज हैं ये, 2 बड़ी प्याज को हमने लिया है। यकीन मानिए, ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है ना। और प्रोटीन आपको खाना है, आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। 1 चम्मच ना हमने फ्रेश अदरक को ग्रेट कर लिया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 5 लहसुन की कलियों को मैंने कूट लिया है इसके अंदर। ये भी कुटा हुआ लहसुन ना, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। ये देखिए, इस तरह से ही कूट जाता है। आप काट के भी डाल सकते हैं, बट क्रश करके कूट के डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो प्याज भूनते हैं। जब तक हमारी प्याज भून रही है, मैं आपको दिखाऊं, मैंने 1/4 कप ना फेंटा हुआ दही लिया है, उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून आधा चम्मच हल्दी डाली है, 1 बड़ा टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली है 1 टीस्पून, 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर है, नमक स्वाद के अनुसार है, और जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून किचन किंग है। इसको हम ना फेंटी हुई दही में इस तरह से मसाले को मिला लेंगे और इसको एक साइड रख देंगे। जब हम दही डालेंगे ना, तभी हमको इसको डालना है, मतलब दही जब डालनी है तो मसाले उसके साथ ही जाएंगे। एक तो ये है कि इससे दही फटता नहीं है, और दूसरा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे मसाले अच्छे से, है ना। तो प्याज भूनते हैं, और जब प्याज इतना भून जाए तो यहां पर भी मैं इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली डालूंगी। इसका फ्लेवर और कलर अच्छा आता है, कलर बहुत ही सुंदर आता है। कश्मीरी रेड चिल्ली होगी ना तो वो तीखी नहीं होगी, बस कलर के लिए होगा। तो प्याज यहाँ भुन चुकी है, और अब हमने ये 2 टमाटर को पीस के रखा हुआ है, ग्राइंड कर लिया है फ्रेश टोमेटो को, इनको डाल देंगे। क्योंकि ये मसाला सोया वड़ी है तो बहुत ही यमी बनेगी। मसाले जाएंगे, प्याज टमाटर जाएगा, दही जाएगा, है ना। आप एक बार बना के देखेंगे ना तो आप खाते रह जाएंगे। और मैंने अपनी इसमें वीडियो में आपको चैनल पे आलू वड़ियाँ भी बनाकर बताई हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो टमाटर जब तक भूनते हैं, तब तक हम ये वड़ियाँ भून लेते हैं। 1 छोटी चम्मच हमने डाला है ऑयल एक पैन में, और जो हमने स्क्वीज करके निचोड़ के वड़ियाँ रखी हैं ना, उनको हम इसमें थोड़ा सा सेक लेंगे। जैसे हम पनीर की सब्जी बनाते हैं ना,
तो पहले पनीर सेक लेते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, उस टाइप से इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे बड़ियों को। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन आपको दिख रहा होगा वड़ियों में, तो 1 से 2 मिनट हमने ये सेक ली हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। आपको मैं पास से दिखा भी देती हूँ, देखो हल्का हल्का ना ऐसे ये ब्राउन सा कलर आ गया है, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इधर हमारा ये गैस हमने ऑफ कर दी है, मसाला भी हमारा ये भुन गया है अच्छे से, तब तक हमने इधर साथ में वड़ियां से की, इधर मसाला भून लिया है। और देखिए मेरा मानना ये है, हेल्दी कुकिंग वही नहीं होती कि आप पानी में बॉईल कर रहे हैं सब्जियां, हर चीज जरूरी है। तो वंस इन अ वाइल आप इस तरह से सब्जी बनाएंगे ना, मस्टर्ड ऑयल के अंदर सब कुछ अपने सामने है, सारे मसाले आपके घर के पीछे हैं, हैं आप जो यूज कर रहे हैं आपको पता है जो आप डाल रहे हैं, तो वो हेल्दी है। ये देखिए अब क्योंकि गैस ऑफ है, हम ये दही वाला जो मसाला है ना वो इसमें डाल देंगे और इसको एक बार मिक्स कर देंगे ऐसे। तो जब भी आप कोई दही की सब्जी बनाए ना तो ये बेस्ट तरीका है कि आप इसमें बनाते हुए इस तरह से मिक्स करें, गैस को ऑफ कर दें, मसाले मिक्स कर लें पहले से, तो दही जो है वो फटता नहीं है, ठीक है ना। गैस हमारी देखिए ऑफ है और मैं ये सब मसाले इसमें मिला रही हूँ दही के साथ, इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। अच्छा मैंने टमाटर भूनते हुए भी ना थोड़ा सा नमक डाला था, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नमक अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, जो इसमें बचा है ना उसमें भी थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको डाल देते हैं, बचा हुआ ये दही वाला पानी भी हमने इसमें से सारा निकाल लिया है और इसको हम मिक्स करेंगे। गैस हमारी अभी भी ऑफ है, ये देखिए जब इस तरह से मिक्स हो जाए ना तब हमें गैस को ऑन करना है मीडियम फ्लेम पर, और इसको भी छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए हमें जब तक बॉईल नहीं आ जाए ना लगातार चलाना है, चलाते हुए हमें भूनना है। देखिए तो ये मेथड है दही डालने का, फिर आपकी कोई भी सब्जी कभी भी नहीं फटेगी। गैस को ऑफ करिए, दही को अच्छे से पहले ठंडे में मिक्स कर लीजिए और फिर लगातार चलाते हुए बॉईल आने तक पकाइए। यकीन मानिए ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है, आप बिना प्याज और टमाटर डाले भी दही की सब्जी बनाते हैं ना, तो वो भी एक यही तरीका है कि आप गैस को ऑफ करके ही दही डालें। देखिए ये भुनना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला हमारा भुन रहा है। देखिए अच्छे से पास से आपको पास से दिखाऊं, देखिए कितना बढ़िया मसाला है, तो बिल्कुल भी दही नहीं फटा है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको ना तवे पर या आप ऐसे हल्का सा ना रोस्ट कर लें, बिल्कुल ऐसे हल्का सा, जलाना नहीं है, बहुत हल्का रोस्ट करें क्योंकि बरसात का मौसम है और ये सील जाती है, वैसे भी सील जाती है रखी रखी, और खुशबू भी थोड़ी अच्छी आती है जब आप रोस्ट करके डालते हैं ना, तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। और आप ये अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए ताकि मैं और कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो ये हमने भून के कसूरी मेथी को ऐसे हाथ से क्रश कर लेना है और इसमें डाल देना है, बहुत ही बढ़िया खुशबू। और अब हम डाल देंगे इसमें ये सोया की बढ़िया, देखने में लाजवाब, खाने में लाजवाब, ये सब्जी बहुत ही यम्मी आपको पसंद आने वाली है ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। 1 से 2 मिनट हम और इनको ऐसे भूनेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखिए 2 मिनट तक ना हमने इसको अच्छे से भून लिया है, सारे मसाले जो हैं वो बड़ियों में एब्जॉर्ब हो गए हैं। हम जब बड़ियों को स्क्वीज कर लेते हैं ना तो जो इसमें जाता है ना वो मसाला जाता है, ये फूलती हैं तो। और मैं ये ना गर्म पानी केटल में हमेशा अपने पास करके रखती हूँ, जब भी मुझे सब्जी में डालना होता है तो मैं हमेशा गर्म पानी डालती हूँ,
ये भी एक टिप है सब्जी अच्छी बनने के लिए, ठीक है। तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, अभी ये वड़ियां भी पियेंगे, उतनी ग्रेवी आप इस सब्जी में रख सकते हैं। मैं थोड़ा ये ग्रेवी वाली बना रही हूं और अब हम इसको ढक कर ना 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छे से मसाले जो हैं वो और इसमें वड़ियों में आ जाएं और सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो। और मैंने ना इस समय नमक टेस्ट करके देख लिया है, थोड़ा कम लगा मुझे, मैंने डाल दिया है। और अब हम गैस को मीडियम फ्लेम कर देते हैं और पकने देते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं, देखिए कितनी बढ़िया सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसको हरे धनिए से गार्निश करते हैं और सर्व करते हैं। वीडियो ज़रा लंबा हो गया है लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।